किसानों की नाराजगी और रोष के बाद से चीफ सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि 1500 रुपये से कम का चेक किसी को नहीं दिया जाएगा, 1500 रुपये से कम की धनराशि नहीं दी जाएगी, 18000 प्रति हेक्टेयर धनराशि दी जाएगी। किसानों को दिए गए बैंक लोन को फिलहाल स्थगित किया गया है। मुख्य सचिव आलोक रंजन का बयान आया है किसानों के हित में, और उन्होंने कहा है कि जो 75 और 100 रुपये के जो चेक बांटे जा रहे हैं वो बंद करें और 1500 रुपये से कम का चेक नहीं दिया जाएगा, यानी कि यह धनराशि जो है कम से कम 1500 होनी चाहिए। कृषि आधारित नया लोन देने के निर्देश उन्होंने बैंकों को दिए हैं। कृषि बीमा मामले में 25% धनराशि तत्काल देने के निर्देश भी दिए गए हैं। 5 लाख धनराशि जिलाधिकारियों को आकस्मिक धनराशि दी जाएगी। सरकार संवेदनशील है, 99 असामयिक मौत हुई है, ये स्वीकारा है प्रदेश सरकार ने। मुख्य सचिव ने यह बयान दिया है और उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दे दिया है कि अगर आप अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं तो कार्रवाई होगी। राजीव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ कहा है मुख्य सचिव ने? देखिए, मुख्य सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया है कि किसानों की जो मौत की खबर आ रही है या ये बातें कही जा रही हैं कि किसानों को मुआवजे नहीं मिल रहे हैं या किसानों को जो मुआवजे कम दिए गए हैं, मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और सरकार ने पूरी तरीके से कदम उठाए हैं कि किसानों को किसी भी तरीके से नुकसान न होने पाए और जो ये 75 रुपये 100 रुपये के जो भी चेक दिए गए हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जो भी धनराशि दी जाएगी 1500 रुपए से कम का कोई भी चेक नहीं दिया जाएगा। सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे जाके मौके पर निरीक्षण करें और बिल्कुल सही आकलन करके ही सरकार को भेजें जिससे किसानों को उनका जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई की जा सके और जो इसमें लोगों का नुकसान हुआ है, बीमा जो हुआ है, सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि वे एक बैठक बुलाएं और 25% धनराशि किसानों को तत्काल अवमुक्त की जाए जिससे किसानों को तत्काल राहत मिल सके। सरकार भी कारगर कदम उठा रही है, उसके साथ में जो बीमा के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि एक बैठक करके और तत्काल उपलब्ध इन लोगों को, किसानों को तत्काल उपलब्ध कराया जाए। दूसरी चीज ये है कि सरकार ने ये भी कहा है कि जो लोन लिए गए थे, जैसे कि प्रदेश से कई जगहों से खबरें आई थी कि किसानों की सदमे से कुछ मौत हुई है, तो सरकार, मुख्य सचिव का कहना ये था कि सरकार इस मामले को लेकर बेहद ही गंभीर है और मुख्य सचिव का ये कहना था कि बैठक की जाएगी और बैठक करने के बाद में ये भी कह दिया गया है कि तत्काल जो वसूली हो रही थी, जिसका डर था लोगों को, जिससे सदमे हो रहे थे और किसान बीमार पड़ रहे थे, कुछ मौतों के भी 99 की का आंकड़ा माना है, मुख्य सचिव ने माना भी है, तो ये सब चीजें ना होने पाए, किसान आश्वस्त रहे कि सरकार उनके साथ में खड़ी है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि जिलाधिकारी तत्काल समीक्षा करें, इसकी बैठक करके और अपने कंटिजेंसी फंड से 5 लाख रुपए तक का तत्काल वे भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।